मध्य प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिरला मंदिर से लेकर विधानसभा सदन तक पैदल मार्च किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसान हताश है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा ने यूरिया की कालाबाजारी को लेकर सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी के सभी विधायकों ने सड़क पर पैदल मार्च किया। आज कांग्रेस की राज में कमलनाथ सरकार में किसान तबाह हो गया है और खेती बर्बाद हो गई है। कर्जा माफ अभी तक हुआ नहीं है। अतिवृष्टि और वर्षा के कारण जो फसलें तबाह और बर्बाद हो गई, उसका राहत नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया। और सबसे बड़ा संकट इस समय है यूरिया का संकट। भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में यूरिया प्रदाय करने के बावजूद भी किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। रात रात भर लाइनों में खड़े होके बूढ़ी माताएं, बच्चे भी लाइनों में खड़े, संगीनों के साय में एक एक दो दो बोरी यूरिया मिलती है। ये सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। ब्लैक में 500 रुपया बोरी यूरिया उपलब्ध है। इस बहरी सरकार को जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सड़क पर मार्च किया है और सदन में भी मामला उठेगा। अगर किसान दुखी है तो हम इस सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे। सरकार के विरोध में टीम शिवराज पूरी वेशभूषा में सड़क पर नजर आई। गहराते यूरिया संकट को लेकर विधायक यूरिया संकट और कालाबाजारी के लिखे संदेशों वाला एप्रिन पहने हुए थे। नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायकों ने बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान शिवराज ने कहा कि अगर किसान सुखी नहीं रहा तो सीएम कमलनाथ को चैन से नहीं बैठने देंगे। बच्चे तक लाइन में लग रहे हैं किसान परिवारों के, और इसके बाद भी ये सरकार यूरिया नहीं दे पा रही है। जब हमारी सरकार थी तो हम एडवांस यूरिया का भंडारण करते थे और 3 महीने पहले किसानों को दे देते थे और 3 महीने का ब्याज भी हम भरते थे। भारत सरकार के यूरिया पर्याप्त मात्रा में देने के बाद भी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, खेती बर्बाद हो रही है, किसान तबाह हो रहा है। वहीं विधानसभा सदन में भी भाजपा ने यूरिया संकट का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।